सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9708441666 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज कौन कहाँ पे जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का हम लोग क्या करेंगे कि इसी बोर्ड में हम लोग चेक करेंगे कि सबसे पहले प्राइमरी कहाँ जाता है और सेकेंडरी कहाँ जाता है। तो आईसी की सबसे पहले तो हम इसका जितना भी ये कवर है ये सब पहले हटा लेते हैं, समझे, ये जितना भी कवर है ये टोटली हम लोग हटा लेंगे और आपको ये सब थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि इसमें कौन कौन आईसी, पहले आईसी का भी आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, क्या जरूरी है, आईसी की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए ये J26 का बोर्ड है हमारे पास, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले आईसी की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो हम लोग क्या बोले थे, क्या कि जो थ्योरिकल क्लास हुई थी उसमें पावर आईसी, पीएफओ, वाईफाई आईसी, ये सभी में क्या होता है, जाता है प्राइमरी सप्लाई। सेकेंडरी क्या होता है कि पावर आईसी के बाद की, यानी पावर आईसी हो या कोई भी एलडीओ आईसी हो, कोई भी आईसी हो, वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी की होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चलिए देखते हैं क्या कि अगर ये सीपीयू की बात करें, ये क्या है, एसपीडी, एसपीडी बेस क्या है, ये हमारा स्पेक्ट्रम का सीपीयू है। जस्ट इसके बगल में जो हमारा है ये हमारा फ्लैश मेमोरी होगा, फ्लैश आईसी, ठीक। इसके बाद इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये टोटली हमारा जीपीएस, वाईफाई, सॉरी वाईफाई नहीं, जीपीएस और नेटवर्क, हाँ जीपीएस और नेटवर्क सेक्शन, ये दो सेक्शन आपका क्या है, लगा हुआ है। दूसरी बात क्या करें कि ये जो छोटी सी जो आईसी जो जिसके बारे में हम आपको बताए हैं, क्या चार्जिंग, नहीं नहीं, कौन सी आईसी, कॉपलर, हाँ बताए थे, तो वो क्या है कि ये हमारा ये जो इसकी फीडबैक के लिए हमारा दिया जाता है, यूज किया जाता है, चार्जिंग फीडबैक, हाँ चार्जिंग फीडबैक, चार्जिंग फीडबैक और प्लस बैटरी की कंडीशन, हाँ बैटरी की सप्लाई सभी जगह प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है उसकी है, ठीक है। तो ये इसकी बात करें तो ये हमारा मेन नेटवर्क, नेटवर्क आईसी, आरएफ आईसी, ये एंटीना स्विच, ठीक है, ये हमारा पीएफओ क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस का सर यहाँ जैसे पीएफओ के पास में आरटीसी क्रिस्टल ऑसिलेटर रहता है ना सर, नहीं नहीं पीएफओ के पास नहीं रहती है, ये आपकी नेटवर्क आईसी के पास रहता है, नेटवर्क आईसी के पास यहाँ पे ऑसिलेटर क्रिस्टल तो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हमारा जीपीएस के लिए है, अच्छा, और ये हमारा जो हम लोग एक ग्लोनास टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताए थे, जीपीएस का ग्लोनास के बारे में बताए थे, वो भी हमारी जीपीएस टेक्नोलॉजी ही है। तो ये हमारा क्या है, ग्लोनास के लिए इसकी अलग से ये हार्डवेयर दे रखी है। इसकी बात करें तो ये हमारा एक रेगुलेटर होगा क्योंकि इसके पास वीवेट सप्लाई आएगी, ठीक। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा नेटवर्क सेक्शन है। यहाँ पे चार्जिंग यूएसबी के लिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी एक चार्जिंग रेगुलेटर है और यहाँ पे यूएसबी के लिए है, ओटीजी जिसको ओटीजी सपोर्ट करता है ये हैंडसेट, ओटीजी करता है ना, ओटीजी हैंडसेट, तो ये ओटीजी को सपोर्ट कर रहा है। अगर इसकी बैक कवर में जाए, बैक पैनल में अगर बैक में जा रहे हैं तो यहाँ पे ये इसका मेन एक पावर रेगुलेटर आईसी है जिसको बोलते हैं हम एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी ये क्या करेगा कि मिलेगा इसको 3.7, यानी जो बैटरी की जो वोल्टेज है उतना ही मिलेगी, लेकिन ये उसको अलग अलग वोल्टेज में मतलब रेगुलेट करके ये सभी कॉइल से क्या करेगी कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी बांटेगी, हाँ। इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, वाईफाई आईसी, ठीक है। हम लोग क्या बोले थे कि इसमें डुअल बैंड की बात किए थे, ठीक है, तो एक बैंड के लिए यहाँ पे सिलेक्टर है और दूसरी के लिए यहाँ, यानी 5 GHz और 2.4 GHz, क्या है 5 GHz और 2.4 GHz, ठीक है। तो लगभग ये पूरी क्या पूरा जो है हमें मिल ही गया, क्या
सभी आईसी का जो पता था वो तो मिल गया। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको कूल टेस्टिंग करके हम लोग चेक कर लेंगे कि एक्चुअल में हमारा वीबेट का लाइन ही चेक करना है ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हॉट टेस्टिंग से नहीं कूल टेस्टिंग से भी पता कर सकते हैं। तो कूल टेस्टिंग में हमें समय नहीं देना है, समय हमें कूल टेस्टिंग में देना ही नहीं है। हमें ज़्यादातर क्या करना है कि हॉट टेस्टिंग से ही हमें पता करना है कि इसका प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज, क्योंकि हम लोग क्या बताया है आपकी वोल्टेज के बारे में बताया कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। ये हमें कूल टेस्टिंग की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। चलिए तो हमें क्या करना होगा, इसमें सप्लाई देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सप्लाई को देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करना है कि हॉट टेस्टिंग करना है। क्या करना है? हॉट टेस्टिंग। तो जितना यहाँ पे की वोल्टेज होगी, यहाँ पे क्या वोल्टेज दिखा रहा है? 3.9। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे कनेक्ट करना होगा। किसे? अब पॉजिटिव ये है हमारा, इसका पॉजिटिव की अगर हम बात करें, पॉजिटिव की, तो ये हमारा पॉजिटिव, ये और ये हमारा निगेटिव, यानी जो ग्राउंड से बीप दिया वो निगेटिव। तो इसे हमें क्या करना होगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव और निगेटिव टू निगेटिव। हम लोग पॉजिटिव टू पॉजिटिव और निगेटिव टू निगेटिव क्या किया, सप्लाई को दे दिया। चलिए अब हमें क्या करना है कि सेट को ऑन नहीं करना है। क्या करना है? ठीक है, सेट को ऑन नहीं करना है। अब ये देखना है क्या कि इतना वोल्ट हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो हॉट टेस्टिंग के लिए हमारा कौन सा वायर कहाँ पे रहना चाहिए? ग्राउंड पे, ब्लैक ग्राउंड पे रहेगा, रेड से चेक करेंगे। अगर मान लीजिए हम रेड को ग्राउंड पे रखते हैं तो वोल्टेज दिखाएगा लेकिन निगेटिव में दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको, इसे कहीं पे भी ग्राउंड पे ही रख लेते हैं, ग्राउंड पे ही रख लेते हैं और देखते हैं क्या है कि 3.9 वोल्ट कहाँ कहाँ बन रहा है। सॉरी, इसको पहले हम लोग 20 वोल्ट डीसी पे रख देंगे, उसको सेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3.9 यानी फिर इस एनपीसी पे 3.9, यहाँ पे 3.9, यहाँ पे 3.9 दिखा रहा है ना। रही बात इस सेक्शन की, इसमें तो ये भी हम, इसके पास भी हमारा वोल्टेज जाएगा, जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। इसको क्या करना होगा, हमें इसको ग्राउंड पे रखेंगे और देखेंगे क्या, जैसे यहाँ पे तो वोल्टेज बन रहा है, चलिए यहाँ पे भी चेक कर लेंगे कि वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है तो इसे मिलेगा ही। यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं वोल्टेज है लेकिन क्या है, 3.7 है, 7.5, लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे 3.9 यानी लगभग 4 वोल्ट के आसपास में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मिल रहा है लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या है, कम है, मिल रहा है। तो ये देख लेना है क्या कि ये जो वोल्टेज है ये इसके बाद आउट कर रहा है या फिर हमें ये डायरेक्ट, तो इसे इसका पता हमें कब मिलेगा, कूल टेस्टिंग से। क्या मिलेगा? कूल टेस्टिंग से मिलेगा। तो हमारे पास ये भी, हमारे पास एक रेगुलेटर ही है तो इसके पास भी वोल्टेज आना चाहिए। देखिए आ रहा है, कूल टेस्टिंग का मतलब वो बीप देगा अगर, हाँ बीप, अगर वो जुड़ा होगा तो ये अभी जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं वो टोटली बीप देगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हॉट टेस्टिंग करके सिर्फ वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज चेक कर रहे हैं कि प्राइमरी वोल्टेज कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ स्विच है तो ऑन ऑफ स्विच पे भी आएगा ना हमारा प्राइमरी वोल्टेज। देख लेते हैं कहाँ पे आता है मेरा, आ रहा है, क्या हो रहा है, आ रहा है हमारा प्राइमरी वोल्टेज, देख लेते हैं आप, आया 3.7। अब देखिए यहाँ पे 3.75 आ रहा था, आ रहा था, और यहाँ पे भी हमारा 3.75 आ रहा था, आ रहा था, आ रहा है, इसमें कहीं 3.9 आता है, किसी में 4 आ जाता है पूरा, किसी में वो देखिए वो इसकी अगर 3.9 पे रखे हैं तो 4 वोल्ट भी वहाँ पे हो सकता है क्योंकि बहुत करीब है, यानी 4 वोल्ट के क्या है, बहुत करीब है, तो इसलिए वहाँ पे
3.9 दिखाए या 3.99 दिखाए या फिर 4 वोल्ट दिखाए, ये बस थोड़ा सा कर 4.45 तक, हाँ वो हो सकता है। तो देखिए ये हो सकता है सेम वोल्टेज यहाँ है और ये भी है, तो हो सकता है कूल टेस्टिंग से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हो सकता है ये हमारा इसका लाइन से जुड़ा होगा ऑन ऑफ स्विच से, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया 3.75 और यहाँ पे भी 3.75, ये तो हमें कूल टेस्टिंग से कन्फर्म हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास आना चाहिए वोल्टेज, देखिए आ रहा है 3.9, ठीक है छोड़ दो उसको, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई वोल्टेज है नहीं है, चलिए इसके पास भी आना चाहिए। तो सर वाईफाई जीपीएस है क्या? नहीं, ये हमारा पीएफओ है, देखिए यहाँ पे है पीएफओ प्लस एंटीना स्विच 3.9, क्या यहाँ पे है 3.9 है ना, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा कि इसके पास ये वोल्टेज डायरेक्ट मिल सकता है वीवेट या फिर ये पावर आईसी भी इसको मैनेज कर सकता है, कर सकता है। हम लोग पहले जीपीएस सेक्शन में ये बात कर चुके हैं, कर चुके हैं ना, पावर आईसी भी इसको दिया जा सकता है। तो सर प्राइमरी करें, हाँ पहले तो इस सेक्शन में हमें इसको तो कभी मिलने वाला है नहीं, अभी न इसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑन होने के बाद ही मिलेगा। चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको ऑन करेंगे, बैक में जाएंगे, पावर आईसी के पास में जाएंगे कि पावर आईसी के पास क्या बन रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, पावर आईसी के पास चले आए, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बैक पैनल पे आते हैं, बैक साइड में, और देखते हैं कि ये मेरा पावर सेक्शन है, क्या है ये पूरा पावर सेक्शन है हमारा, ठीक। इसकी बात करें तो ये हमारा SMPS अभी आपको बता चुके हैं कि ये क्या करता है कि वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसके पास भी वो वोल्टेज आना चाहिए। सर इसमें RTC क्रिस्टल के लिए थोड़ा सा बताइए। अच्छा RTC क्रिस्टल, क्योंकि इसके पास RTC क्रिस्टल यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए ये ग्लास पैक है, आपको ग्लास पैक बताया गया होगा कि ग्लास पैक में भी हमारे पास RTC क्रिस्टल होता है, तो ये RTC क्रिस्टल यहाँ क्रिस्टल के पास में पावर आईसी रहता है ना सर? जी जी जी। तो यहाँ पावर आईसी ये रहा, ये हमारा पावर आईसी। और देखिए स्मार्टफोन में ये चीज़ मत देखिएगा क्या कि वहाँ पे क्रिस्टल होना ही चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि स्मार्टफोन में वो क्रिस्टल नहीं भी दे सकता है, लेकिन ये जो एरिया है हमारे पास, ये बूस्ट कॉइल और कैपेसिटर, ये आपको वो घिरा पड़ा मिलेगा, पूरी तरह से घिरा रहेगा। अगर वहाँ पे ये भी देख लेते हैं, और आईसी की नंबर तो आजकल नंबर से भी पता चल जाता है, क्योंकि आईसी के ऊपर नंबर जो मेंशन है उसके अनुसार हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा मेरा पावर आईसी, आजकल तो दो दो पावर आईसी हमारा यूज होने लगा है, दो दो क्या तीन तीन यूज होने लगा है। तो क्या ये सेकेंडरी पावर आईसी है कि ये एक ही है? प्राइमरी की अगर हम बात करें तो हम आपको बता चुके हैं कि ये है, क्योंकि इसका ऑन ऑफ स्विच से इसका ताल्लुक होगा, तो ये ट्रिगर जब हो जाएगा तो इसके बाद इसको भी ये ट्रिगर कर देगा। किसको? पावर आईसी को। जब पावर आईसी को ट्रिगर हो जाएगा तो समझ लीजिए कि ये ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, फिर सीपीयू भी एक्टिव। हाँ, तो फिर उसके बाद सीपीयू की बात है, वो तो सेकेंडरी का मैटर है ना हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इसके पास आना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या कि किस पे वोल्टेज आ रहा है, कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज है, हम लोग वायर को उल्टा रख रखे हैं इसलिए माइनस में दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए, छोड़ दो रहने, ठीक है 3.99 बता रहा है। एक और यहाँ पे देख लेते हैं कि और कहाँ पे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, ठीक है। ये टोटली है, सब जो हम चेक कर रहे हैं ये प्राइमरी है, ये सब देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इस कॉइल पे नहीं दिखा रहा है, ये सब हमारा क्या होगा, सेकेंडरी का होगा। इस कॉइल पे नहीं दिखा रहा है तो ये सब हमारा क्या है, सेकेंडरी होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे इसकी बात करें इस आईसी की, तो ये आईसी हमारा क्या है, डिस्प्ले बैक लाइट के लिए और प्लस डिस्प्ले को वर्किंग सप्लाई के लिए, दोनों के लिए। तो इसके पास भी वोल्टेज आना चाहिए, आएगा, आया डिस्प्ले पे भी तो डायरेक्ट ही जी, हाँ डिस्प्ले जिस पर वैल्यू नहीं आ रहा है तो मतलब ऑन करने के बाद आएगा। किस पे वैल्यू की बात, हॉट टेस्टिंग में कर रहे हैं उसमें वोल्टेज आ रहा है, तो मतलब प्राइमरी का है,
वोल्टेज नहीं आ रहा है तो, हाँ, तो वो करने पर नहीं आ, हाँ ऑन करने के बाद वहाँ पे सेकेंडरी वोल्ट आउट, क्योंकि जब तक वो आईसी ट्रिगर नहीं होगी तब तक तो वो सेकेंडरी उस वोल्ट को रेगुलेट नहीं कर पाएगी। जब रेगुलेट करेगी तभी ना हमें आगे की वोल्टेज पता चलेगा। अगर ये खराब रहा कंपोनेंट, हाँ तो वो कैसे पता चलेगा कि ये वोल्टेज तो वहाँ नहीं दिखाएगा ना? कौन सा कंपोनेंट वोल्टेज? देखिए यहाँ पे अगर ये कंपोनेंट खराब रहेगा तो वोल्टेज दिखाएगा, दिखाएगा हाँ, प्राइमरी में भी अगर वोल्टेज है दिखाएगा, क्योंकि बसरते हमें लीकेज होना चाहिए। शॉर्टिंग अगर हैंडसेट रहेगा तो वहाँ पे हम लोग प्राइमरी वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज तो जीरो कर देगा कहीं पे भी, वो हमारा एमएसटी यानी मेन सप्लाई ट्रैक एमएसटी का लाइन ही जीरो रहेगा। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? एमएसटी का लाइन ही चेक कर रहे हैं ना, तो प्राइमरी जीरो ही दिखाएगा तो हर जगह जीरो बताएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अगर मान लीजिए हम कोई कंपोनेंट लीकेज है, लीकेज और शॉर्टिंग का हम लोग क्लास कर चुके हैं, तो उसका क्या है कि वो अलग होगा। लीकेज अगर होगा तो वोल्टेज दिखाएगा, तो हो सकता है कम वोल्टेज दिखाए लेकिन दिखाएगा तो जो, ठीक है। ये वाला जो आईसी है ये तो हमारा डिस्प्ले के लिए है, डिस्प्ले बैकलाइट के लिए है, ठीक है। ये आईसी हमारा वाईफाई है, तो इसे हम पहले भी वाईफाई सेक्शन अगर आपकी क्लास हो गई है शायद हो चुकी है तो उसमें क्या है कि इसमें प्राइमरी वोल्टेज भी जाता है और या तो सेकेंडरी भी मिल सकता है, मिल सकता है। एलडीओ जो था सर वो किस में? किसी में ना, एलडीओ भी तो पढ़े थे ना वो। LDO? LDO कहाँ पे होगा? LDO की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटा सा चार पिन है, यहाँ पे दो पिन इधर और दो पिन इधर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं किसी को ट्रिगर करने के लिए, वर्किंग वोल्टेज देने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। ये इसी को हम बोलते हैं LDO। ये वाला जहाँ पे जरूरत जिसको रहेगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे कैमरा का सेक्शन क्या? नहीं कैमरा का नहीं है, कैमरा का सेक्शन नहीं है। ये हो सकता है इसका दे रखे या इसका प्रॉक्सिमिटी का दे रखे या कैमरा का दे रखे, ये हम ट्रेस करेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, हम जब कैमरा सेक्शन में आएंगे तब की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा कि ये वाईफाई है, हाँ तो वाईफाई है, तो वाईफाई को हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि या तो उसको प्राइमरी मिलेगा या तो सेकेंडरी मिलेगा। सेकेंडरी भी अगर मिलेगा तो जितना प्राइमरी मिल रहा है उतना ही मिलेगा, उसमें थोड़ा सा वोल्टेज में डिफरेंट नहीं होगा डिफरेंट होगी। वहाँ पे हो सकता है क्या कि 3.3 वोल्ट दे, 3.5 वोल्ट दे, लेकिन 3 वोल्ट से ऊपर होगा। क्या होगा? 3 वोल्ट से ऊपर। तो 1 वोल्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पे कितना आ रहा है, ये 2.8 आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, प्राइमरी ही है, प्राइमरी है। तो या तो इसको मिले, आपने बताया कि 3 से ऊपर होगा। अभी हम क्या बताएं कि ये अगर 3 से ऊपर है, अगर मान लीजिए ये इसको 2.8 यहाँ पे बता रहा है, तो समझ लीजिए कि ये उसके लिए वोल्टेज है ही नहीं, किसी और सेक्शन के लिए, ये किसी और सेक्शन के लिए है, आया समझ में? 3.7 के आसपास, हाँ हाँ, तो ही समझ में आएंगे कि इस, ये हमारा इसके पास है। अगर ये भी है प्राइमरी ही, लेकिन ये किसी ना किसी से हो, या तो रेजिस्टेंस से होकर, रेजिस्टेंस से होकर वोल्ट ब्रेक करे, या कोई आईसी से होकर इसको, लेकिन मिल रहा है इसको भी प्राइमरी। एक बार और बताइए तो किसका, ये 2.8 वोल्ट जो आ रहा है, देखिए 2.8 वोल्ट यहाँ पे मिलने का रीजन क्या है, या तो कोई आईसी इसको सप्लाई दे रहा है, वोल्ट को ड्रॉप करके दे रहा है, नहीं तो इसके लिए क्या होगा कि कोई रेजिस्टेंस इसके लिए लगाया गया है। और ये बात करें तो ये इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए होता है तो 3 वोल्ट से ऊपर होता है, 3 वोल्ट से ऊपर होता है, इसको तो हम सेकेंडरी वोल्टेज बोलेंगे, कौन नहीं, इसको तो हम प्राइमरी ही बोलेंगे, क्योंकि हमारा सेट अभी ऑन कहाँ है, ऑन होने के बाद ही ना हमारा कोई सेकेंडरी वोल्टेज दिखाता है, लेकिन ये कहीं से रजिस्टर होकर के कहीं जा रहा है बस, ठीक है। तो हम लोग प्राइमरी क्लियर, प्राइमरी में कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है कि सेकेंडरी को चेक करना है, तो सेकेंडरी के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हैंडसेट को ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे ऑन करेंगे। देखिए यहाँ का मीटर उठा, ठीक है, मीटर अब ये मीटर और ऊपर जाएगा, उठा, फ्लक्चुएट हो गया, ये हमारा फोन क्या हुआ, ऑन हो गया। अब देखिए ऑन हो गया तो हम लोग इधर से ही शुरू कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या कि इसके पास अभी तो कोई वोल्टेज आया नहीं था, आया था नहीं, नहीं आया था, तो देख लेते हैं यहाँ पे, नहीं
देख लेते हैं कहीं पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। यहाँ पे 1.6 वोल्ट आया, यानी क्या है, ये तो सेकेंडरी का ही है, सेकेंडरी का ही है। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट से ऊपर आया, 3 पॉइंट वोल्ट से ऊपर आया ना, तो ये क्या है, ये सीधा पीएम से, यानी पीएम पावर आईसी से इसको डायरेक्ट मिल रहा है। अच्छा, पावर आईसी से। हाँ, ये पावर आईसी से इसको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पावर आईसी से मिल गया, तो उसके बाद का जो इसका फंक्शन है वो हो गया, तो सेकेंडरी वोल्ट हमें पता चला। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं आ रहा था, आ रहा था नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखिए वोल्टेज 2.9 आने लगा सेकेंडरी वोल्ट, इस कॉइल पे हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था, 1.2 आने लगा, 4 वोल्ट हम आपको बताए थे ना। चलिए इस कॉइल पे भी नहीं आ रहा था, लगभग 1 वोल्ट आ रहा है, आ रहा है ना 1 वोल्ट। चलिए इस, ये कॉइल है, ये भी हमारे पास कॉइल लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी देखते हैं क्या कि ये कोई और दूसरे, जब कोई फंक्शन को एक्टिव किया जाएगा तो हो सकता है उस समय ये आउट करे। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, पहले ट्रिगर कर लेते हैं, ऑफ हो गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा पता चला ऑफ हो गया, वहाँ पे देखिए 1 वोल्ट, देखिए 1 वोल्ट आया। हाँ, हिलाइए मत हमें, यहाँ देखिए हो गया, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे 1.5 है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, नहीं है, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है। देखिए थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है कोई भी वोल्टेज चेक करने के लिए ना, आपको क्या करना होगा कि आपको हिलना नहीं है। देखिए यहाँ पे आया वोल्टेज 1.5, यहाँ पे वोल्टेज लगभग आपका कुछ नहीं, कुछ वोल्टेज है यहाँ पे, कुछ नहीं। यहाँ पे देखते हैं 1 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं 1 वोल्ट है, यहाँ पे लगभग 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। हो सकता है ये क्या कि कोई दूसरे लाइन के लिए लगाया गया है, जब कोई फंक्शन को एक्टिव किया जाए तब यहाँ पे आपको मिले। यहाँ पे देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे ये आउटपुट के लिए होता है, यहाँ पे तो 3.9 प्राइमरी वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे 3.8 ये भी प्राइमरी ही वोल्टेज है, ठीक है। इस कॉइल को देखेंगे तो इस कॉइल पे देखना है क्या कि 3.8 है, तो ये भी प्राइमरी है, इस कॉइल के ऊपर तो हमें ये जा नहीं रहा है, तो इसलिए हमें इस पर पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 वोल्ट है यहाँ पे, लेकिन ये किसी और सेक्शन के लिए है, ये भी हमारे पास क्या है, सेकेंडरी का वोल्ट है। अब हम लोग चलते हैं क्या इस एरिया में, कौन से एरिया में, देखिए अभी सेट ऑन है हमारा, ठीक। अब देखिए वो सभी जो 1.8, 1.5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट, ये सभी जो चेक किए थे, ये चेक किया गया था किसके लिए, सीपीयू के लिए, सीपीयू के लिए, ये सीपीयू को वो वोल्टेज दिया जा रहा है। तो देखिए सीपीयू के अलावा क्या होगा कि क्या इसे भी, अब देखिए यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई वोल्ट है नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट को ऑन कर लेंगे, वहाँ से क्या होता है कि टोटल सप्लाई जो होता है किसके पास आता है, सीपीयू के पास। अब सीपीयू के अलावा क्या इसे भी वोल्टेज दिया जाता है, ये क्या है हमारा, फ्लैश आईसी। चलिए फ्लैश आईसी है, तो फ्लैश आईसी के लिए हमें क्या करना होगा कि चेक करना होगा कि कहीं पे कोई एनपीसी पे वोल्टेज जा रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे 1.8 आ रहा है, आ रहा है ना, चलिए तो ये सब क्या होगा, सेकेंडरी होगा हमारा, देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, 1.50, 1.50, 1.50, ये सभी अगर वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं क्या है, सेकेंडरी का है, यानी ये सभी सीपीयू का ही वोल्टेज है। इसके बाद देख लेते हैं क्या कि यहाँ पे भी कोई सप्लाई आ रहा है या नहीं, ये हमारा एनपीसी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी 1.8 आ रहा है, तो ये दोनों वोल्ट जो है किसे वर्क करने के लिए है, फ्लैश आईसी को वर्क करने के लिए दिया है, क्योंकि रैम
और रोम जो होता है वो किस में है, फ्लैश आईसी में ही मर्ज है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये सभी जो है और भी सप्लाई अलग अलग, जैसे देखिए ये आईसी अब रेगुलेट करना शुरू किया, जैसे यहाँ पे ये रजिस्टर है तो रजिस्टर यहाँ से आउट करके इसको दे रहा है 1.8, फिर यहाँ पे देखेंगे इस रजिस्टर के पास तो ये भी 1.8, यहाँ पे एनपीसी लगा हुआ है तो खैर एनपीसी इधर इधर लगा हुआ है तो इसलिए हमें कुछ नहीं दिखाई, यहाँ पे तो 5, ये तो इसका वोल्टेज है किसका, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ स्विच का होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0.5, तो कहीं ना कहीं ये आईसी को ट्रिगर एक सिग्नल, ये आउट सिग्नल कहीं से न कहीं से इसको ट्रिगर, ये तो जब ट्रिगर हुआ ये फंक्शन ऑन हुआ, ऑन होने के बाद ये वोल्टेज आउट किया, तो ऐसा नहीं कि ये वोल्टेज सिर्फ वही वोल्टेज इसको, वो सभी वर्किंग वोल्टेज देगा, हो सकता है ये और भी इस सेक्शन के लिए या फिर उस आईसी के लिए क्या कर रहा है कि एक सिग्नल भेज रहा है। तो ये 1.8 और देखा जाए ज़्यादातर अगर हमें सेकेंडरी वोल्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉमन मिला क्या कि हमें 0.50 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट तक ये कॉमन हमें मिला, यानी ये अगर देखा जाए तो ये वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी की वोल्टेज कहलाएगी। 0.50 से लेकर 2.8 तक बताए थे, हाँ बताए थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि हमें क्या, आपको वाईफाई सेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो वाईफाई सेक्शन में क्या बताए थे कि यहाँ पे बैटरी जितनी वोल्टेज आएगी लेकिन ये सेकेंडरी की वोल्टेज होगी, पावर आईसी से बताए थे ना हम। ऐसे अमूमन देखा जाए तो 2.8 से आपको ऊपर नहीं गया है, लेकिन वो वोल्टेज वाईफाई, स्पेशली वाईफाई की बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ है कि 3.3 वोल्ट आया है, क्या आया है 3.3 वोल्ट, तो वो हमारा क्या स्पेशली उसको वर्क करने के लिए दिया जा रहा है। ऐसे 2.8 ये भी वर्क करने के लिए ही होता है, लेकिन अमूमन देखा जाए तो 2.8 ही हम आपको लिखाए हैं वो सही है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे जो बैटरी ना देकर वो हमें पावर आईसी दे रहा है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसा लाइट सेक्शन में भी, कभी भी हम आपको हॉट टेस्टिंग अगर कराएंगे जो जिसमें क्या होगा कि लाइट आईसी पावर आईसी में मर्ज हो, डायरेक्ट पावर, ठीक है ना, कुछ ऐसा भी एक बोर्ड आपको जब मेरे पास आएगा तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे हॉट टेस्टिंग कर लेंगे कि उसमें देखेंगे कि जिसमें पावर आईसी में जो मर्ज, जैसे पीएमआई 8952 8953 पीएमआई 8953 की बात करिए, क्वालकॉम बेस हमारा पावर आईसी है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें चार्जिंग पावर और लाइट तीनों क्या होता है, मर्ज होता है। जब वो मर्ज होगा तो हम आगे की उसमें चेक कर लेंगे। तो क्या हमें ये पता चला कि सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या अंतर हुआ, प्राइमरी फिक्स वोल्टेज, ये सीधा जानिए, जितना हमारा वीवेट सप्लाई किया बस उतना ही, और जो सेकेंडरी डिफरेंट टाइप वोल्टेज यानी 0.50 वोल्ट टू 2.8, ये आंख बंद करके विश्वास कर लेना है, याद कर लेना है कि हाँ दिमाग में ये बैठा लेना है कि जो हमारा 0.50 वोल्ट से लेकर 2.8 वोल्ट तक, ऐसा नहीं 2.8 3.5 तक भी जा सकता है, ठीक है, तो इतना के बीच में अगर वोल्टेज आ रहा है तो समझ लीजिए वो हमारा 3.5 तक जब वोल्टेज जाएगा, जो 3.0 से जो अबव जाएगा तो वो जहाँ तक वो पावर आईसी से ही होगा, एकदम पावर आईसी से ही होगा, प्राइमरी कहलाएगा, मतलब नहीं प्राइमरी नहीं कहलाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो जब तक पावर आईसी ऑन होगा यानी स्लीप मोड में जब हमारा चला जाएगा हैंडसेट तो वहाँ से भी वो वोल्टेज कट जाएगा, तो कट जाएगा तो वो तो हम प्राइमरी नहीं कह सकते ना उसको, वहाँ से यानी प्राइमरी उसे बोलेंगे जो वो कंटिन्यू मिलता रहे वो भी हाई वोल्टेज, यानी जो वीबेट का जो वोल्टेज कंटिन्यू मिलता रहे वो हमें क्या होगा प्राइमरी। अब ऐसा नहीं हम लोग ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी भाई 2.8 सेकेंडरी 2.8 ही होता है, लाइट सेक्शन में 2.8 नहीं बल्कि वो 45 वोल्ट तक भी जाता है, तो वो भी तो हमारा सेकेंडरी वोल्ट होगा ना। अगर यहाँ पे हम लोग 2.8 तक ही अगर सीमित रह जाएंगे और कोई बोलेगा क्या कि हाँ नहीं यहाँ पे तो 45 वोल्ट बन रहा है, वो भी वीबेट का नहीं बल्कि वो सेकेंडरी का, तो वहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं ना कि वो भी सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है, मतलब सर वही मतलब पावर आईसी से ही होगा। जी हाँ, जो आईसी रेगुलेट करके वोल्टेज जो आउट कर रहा है वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक। कोई डाउट किसी को, कोई समझने में, तो प्राइमरी सेकेंडरी चेकआउट हो जाएगा। यस सर। चलिए ओके।